नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के विधानसभा बक्शीताल के इस भीलू नौबस्ता गांव में। यहां पर देखते हैं विधानसभा का चुनावी दौर चल रहा है। आज गांव में हम मौजूद हैं, कुछ माताएं बहनें हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि इस बार किस पार्टी की ओर इन लोगों का रुझान है, किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसको विधायक बनाना चाहती हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा अफसर जहाँ नाम है। अफसर जहाँ जी, बताइए आप वो किसको वोट देना चाहेंगे इस चुनाव में? अरे भैया, अब मायावती दे दे वोट और का है। आप बताइए आपका क्या नाम है? अब हमारे उषा देवी। उषा देवी जी, आप बताइए वोट किसको देंगे? बहन जी का। बहन जी के, इस तरीके से बात करना चाहिए। गिनती तो नहीं है ये चीज, यानी हमारी वोट की कहीं वैल्यू भी नहीं है, इसीलिए हम बसपा में ही वोट करेंगे। मान सम्मान कहूँ पर यहाँ है नहीं, वो हम गिनती तो वो हमें है भाई, दिया भाई। इसके अलावा लगभग दो साल हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही, संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बंद स्कूल है, पढ़ाई लिखाई कहाँ चल रही है? आइए माता जी से पूछते हैं, आपका क्या नाम माता जी? सरजुदे। आपको पेंशन उत्सन मिलती है? पेंशन भैया हमारे बंद हो गए, चार साल से पेंशन नहीं मिली। हाँ नहीं मिली। दोस्तों, आपके सामने एक बुजुर्ग माता जी बैठी हुई हैं। सभी लोग जानते हैं कि बहू बेटे किसी के जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि बुजुर्गों को अगर मान लिया मदद कर दें परिवार वाले तो अच्छी बात है। चार साल से माता जी को पेंशन नहीं मिली है, अब बताइए बिना पेंशन के कैसे इनकी दवा चली, कैसे कपड़े होंगे, कैसे इलाज होगा? तो अब ये बताइए कि आप वोट किसको देना चाहेंगी? देवा।